जिला बिलासपुर की सीमा से सटे उपमंडल नानागढ़ के बघेरी में एक करियाना दुकान में आग लगने से सामान खाक हो गया है। घटना देर रात करीब 11 बजे घटी, जिसके बाद आग द्वारा पकड़ी रफ्तार से ज्यादातर सामान स्वाहा हो गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश काम नहीं आ सकी। करियाना दुकान मालिक प्रेमलाल ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद करके अपने घर आ गए थे। उसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों का फोन आया कि उनकी दुकान से धुआं उठ रहा है। जब प्रेमलाल दुकान पर पहुंच रहे तो स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे थे तथा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया जा चुका था। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी जोखू की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों के बयान कलमबद्ध किए गए। ये रात कोई 12 बजे फोन आया प्रधान का, दुकान से आग लग गई। जो उठे बड़ा मैं चल तुम ताला तोड़ दो, इन्ना नहीं था पता कि ज्यादा लग गई। जल्द पुजे आग ज्यादा भड़ गई, जब इसी पुजे उड़े तो फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, अग बुझ गई थी। पर लेकिन उसे कल जब आया जा तक सारा गवाह हो गया। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋਣਾ ਜੀ 24-25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਿੰਗ ਬੁਲਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੇਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰੀਬ 1 बजे बघेरी से सूचना मिली थी चेक पोस्ट से कि बघेरी में एक दुकान में किराने की दुकान में आग लगी हुई, जिस पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा तो प्रेमलाल की दुकान में किराने की दुकान थी, उसमें आग लगी हुई थी और ज़्यादातर फायर सर्विस वालों ने काबू कर लिया था, लेकिन ज़्यादातर सामान राख हो चुका था। तो प्रेमलाल के बताने के अनुसार कि यह करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके गोली की तरह कर दिया था और 10:30 के करीब इसको या 11 बजे के करीब इसको कर्मचंद ने फोन करके बताया कि तेरी दुकान से धुआं निकल रहा है और आग लगी। जो स्थानीय लोगों ने उसके आने से पहले शटर का ताला तोड़ दिया, कुछ सामान बाहर निकाल लिया था, लेकिन यह सामान भी नष्ट हो चुका था आग के कारण। तो उसके बाद प्रेमलाल भी मौके पर पहुंचा तो उसने बतलाया कि ये ना तो कोई धूप वगैरह अगरबत्ती कुछ न करी थी इसे, और ना ही ये करता है, ना कोई योग वगैरह करता है। तो जिसने थोड़ा जाहिर किया कि हो सकता है कि कुछ और सर्किट के कारण इसकी दुकान के अंदर जो नुकसान हुआ था कुछ और सर्किट के कारण हो सकता है, तो दौरान नजदीक ये भी पाया गया है कि दुकान में केवल एक शटर के अलावा कोई खिड़की कोई रोशनदान वगैरह कुछ ना है, दुकान बिल्कुल बंद है और पूरा किराना से भरी हुई थी। तो जो प्रथम दृष्टि के हिसाब से मामला शॉर्ट सर्किट से ही होना पाया जा रहा है, फिर भी तस्दीक की जा रही है, जो जैसी भी सूरत होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।